देखिए, ये बीपीएससी एकेडमी द्वारा 67 मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ये टेस्ट सीरीज़ निकाली गई है और ये पहले से ही चल रही है। और इसमें डेट्स देखिए कि ये हमने इसको और थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ कर दें कि अभी रिजल्ट आया है और इसमें बीपीएससी एकेडमी जो दिल्ली में बेस्ड है और इसमें कई सारे रिजल्ट्स आए हैं जो कि इनके हिस्ट्री ऑप्शनल हैं। और इसके पहले भी हमने यूट्यूब पे, आप देखिएगा कि 64वीं बीपीएससी का, अगर हमारे चैनल्स पे अगर आप देख रहे हों या मूवीशाला पे भी जो है, तो 64वीं बीपीएससी के लिए भी हमने क्वेश्चंस दिए थे और बड़ा पॉपुलर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो इसी तरीके से और हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि वो इस बार दो बार से इंटरव्यू दे रहे हैं और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, 165, 175। तो हमने बीपीएससी में इवेंट्स हमने टॉपर्स भी दिए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल से। और मेरी क्लास के बाद, मेरी टेस्ट सीरीज के बाद 195-200 आपका जो है वो से हो रहा है, जो कहीं भी उसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अच्छे आंसर्स भी, इवन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन तो है ही। अब प्रश्न रहा कि ऑनलाइन जो होगा वो मूवीशाला ऐप के थ्रू होगा और ऑफलाइन तो हम लोग यहाँ दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि आज के डेट में एक महीना ये चल चुका है टेस्ट सीरीज जो है, तो अब से क्या होगा कि वो, चूंकि बच्चों में ऊहापोह थी विगत 4-5 दिनों से, अब रिजल्ट आ गया तो उस पर जो है वो क्लियर हो गया। तो जो लोग पहले से हैं हमारे यहाँ, पहले से चूंकि टेस्ट सीरीज चल रही है और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को लेकर के भी आएंगे, तो आइए। पहला है, संभव नहीं है कि सारी चीज़ों को एक ही वीडियो लेक्चर्स में शूट किया जाए जो है, लेकिन वो हम इस पर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे तो इससे भी बहुत आपको लाभ होगा। बता तो रहे हैं कि आप देखिएगा, अगर हमारे इसी चैनल पर देखिएगा तो 64वीं का देखिएगा, प्री में जितने बच्चे पास हुए 3000 बच्चों ने उसको देखा था, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्रीफ करते जा रहे हैं कि कैसे हम लोग देखिएगा कि एक सिलेबस, और जो लोगों ने, कई लोग इसमें ऐसा भी आया जिनके पास एग्जाम रिजल्ट्स आ गए हैं और उनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई कंटेंट नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो कैसे तैयार करें, क्या करें क्या नहीं करें, रिजल्ट तो प्री में आ गया है लेकिन क्या तैयारी करें, जो तो उनके लिए एक रामबाण है, उनके लिए जो है एक इस पे। और हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के बीपीएससी के लिए पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, दिल्ली में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं, कम संस्थाएं हैं और कम लोग भी हैं। तो इसमें हमको लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा और मैं चाहता हूं कि बीपीएससी में हिस्ट्री का परचम लहराए। अभी भी 66वीं में, 65वीं में खूब सारे इसके रिजल्ट्स हुए हैं। तो आइए देखिएगा इसमें जो है वो, कि ये पहला हमने, जनरली क्या होता है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से वो हम शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से और विश्व इतिहास से, और हिंदी इंग्लिश बोथ में है, जो बोथ मीडियम में हमारे पास अवेलेबल है। अब ये डेट को आप नहीं ये करिएगा, अब आपका डेट जो है अपने आप डेट हो जाएगा। मान लीजिए किसी को 20 नवंबर को देना है तो अपना वो डेट अपने आप फिक्स करते चले जाएगा। और आपके पास अभी एक महीना 10 दिन के आसपास जो है वो बचा हुआ है समय, जो है कम ही है, एक दो दिन और कम रख लीजिए। मोटे तौर पे आप रखिए कि भाई 30 से 35 दिन आपके पास है जो है। और जो दूर में भी हैं, बिहार में भी कहीं अगर हैं, ऑल इंडिया में कहीं पे हैं, तो मैं वो उनको सपोर्ट दूंगा जो है वो। और कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें, कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त किया जा सकता है। उसका उसका जरिया जो है, उसका जो है वो अगर सूत्र है तो मेरे पास है, मैं बताऊंगा उसमें। अब देखिएगा कि ये सामंतवाद का पतन, ये भौगोलिक खोजों से हमने स्टार्ट किया था। अब देखिएगा कि क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती है जो, तो सामंतवाद के पतन से, पूंजीवाद है ना, वाणिज्यिक क्रांति से एक बार का क्वेश्चन आया है, तो ये प्रश्नों के आने से। और रिनेसा जो है वो, रिनेसा सबसे बड़ा है जो, रिनेसेंस जो है वो
रिनेसेंस से खूब क्वेश्चन आए हैं फ्रीडरी, और बर्याप्ते आप देखिएगा 65वीं 66वीं ट्रेंड को, अगर सब ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा एक बार हम ट्रेंड को लेकर, अभी तो ये वीडियो केवल टेस्ट सीरीज पे आधारित है, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे एक एक पे हम अपना क्वेश्चन जो हमने सेट किया है और जो टेस्ट सीरीज हुई है उसको के हम लेकर के आएंगे और अच्छे मॉडल आंसर्स भी हम लेकर के आएंगे जितना प्रयास हो सकता है। आगे ऐसे देखिएगा कि जो आपका सेकेंड टॉपिक है उसमें इंग्लैंड में संसदीय संघों का विकास पे आया है, 30 वर्षीय युद्ध पे एक बहुत पहले क्वेश्चन है, करीब 4-5 साल हो गए उस क्वेश्चन को आए हुए, तो 30 वर्षीय किस में, इसमें भी चर्चा होगी किस में पॉसिबिलिटी है, तो 30 ईयर्स वार में है, 1618 से शुरू हुआ 48 तक चलता है, तो 30 ईयर्स वार में भी आया हुआ है। और प्रबोधन पे देखिएगा, प्रबोधन इसमें बॉल लगा लीजिएगा, प्रबोधन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अमेरिकी क्रांति एक अलग टॉपिक है, फ्रांस की क्रांति पे क्वेश्चन है, नेपोलियन पे भी प्रश्न जो है वो, और आप ये भी देखिएगा कि यूपीएससी के भी ट्रेंड को आप फॉलो करिएगा, थोड़ा पुराने ट्रेंड को, नए में तो वहाँ भी छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अगर 2011 से पहले अगर आप देखेंगे तो बड़े क्वेश्चंस कुछ आए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, कई बार वो रिपीट भी हो जाता है उसी सेंस को उठा करके। तो देखिएगा कि नेपोलियन से क्वेश्चन बन सकता है ना, कि नेपोलियन जिन कारणों से अपने साम्राज्य का निर्माण किया वही विध्वंस का कारण बने, से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है वो दार्शनिक आधार क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को, फ्रांस की क्रांति के कई एंगल्स हैं, उसके कारणों पे, उस पर प्रभावों पे, नेपोलियन पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और पश्चिमी यूरोप में सुधारवाद और प्रजातंत्र जो है, और ये देखिएगा कि इसमें जो है वो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को ये मत देखिए कि बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस जो है वो केवल लिखा हुआ है, इतना बड़ा सिलेबस। और ऐसे ही देखिएगा कि पश्चिमी यूरोप में ऐसे सुधारवाद और प्रजातंत्र के विकास पे क्वेश्चन जो है वो, अब तक डायरेक्टली इस पे बहुत क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसमें उसमें समाजवाद पे चाहे इस तरीके की बातों को लेकर के पूछा जा सकता है, डायरेक्टली इससे अभी तक नहीं आया है लेकिन पूछा जा सकता है। अगला खंड है औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति एक बड़ा सा है, इस पे आ सकता है क्वेश्चन जो है, तकनीकी पृष्ठभूमि पे आया भी है। और आप देखिएगा कि इटली का एकीकरण हॉट टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण हॉट टॉपिक है, अमेरिकन सिविल वार हॉट टॉपिक है, एशिया और अफ्रीका में ये क्वेश्चन आए हुए बहुत दिन हो गया, अगला प्रश्न ये क्वेश्चन आए हुए काफी दिन हो गया है ना, तो अमेरिकन सिविल वार, कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th and 20th century जो है ये काफी दिन आए हुए, रिपीटेशन होने की चांसेस जिसके काफी अच्छे बन रहे हैं, जर्मन यूनिफिकेशन है, इटली यूनिफिकेशन है, तो ये जो है वो, ये सब चीजों पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और फिर आप देखिएगा कि तो ये सब ऐसे सब लिया जा चुका है, ये टेस्ट बहुत आगे हमारा है, हमने टेस्ट का लगभग आधा हिस्सा, हमने टेस्ट का आधा से थोड़ा कम जो है, हमने थोड़ी धीमी स्पीड रखी थी, तो टेस्ट बहुत सारे हो चुके हैं इसके, जो लोग आगे हैं वो विजेता बनेंगे। देखिए कट ऑफ कैसे प्री में बहुत आगे चला गया, अब उसका आज जो है जिनका नहीं हुआ उनका भी, और सब लोगों का आज आ भी गया जो है, तो जिन लोगों ने पहले से लगातार मेहनत की है उन्हीं के रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसा देखने में आ रहा है। तो आप भी अगर अभी भी देर नहीं है, तुरंत आप प्रयास करिए, क्योंकि अगर तुरंत प्रयास नहीं करेंगे तो फिर जिनकी तैयारी है वही बाजी मार ले जाएंगे, फिर अगले बार आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप देखिएगा कि रूस की क्रांति एक बहुत बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा प्रश्न आए, रूस की क्रांति से टॉपिक से हमेशा प्रश्न जो है वो आने की प्रवृत्ति जो है वो बनी रही है। तो रूस की क्रांति देखिएगा 1917 जो है वो, रूस की क्रांति से प्रश्न जो है वो आए हुए हैं। एक बार इंडोनेशिया हिंद चीन में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन होची मिन्ह के बारे में पूछा गया है। होची मिन्ह जो है के बारे में पूछा गया है एक बार, ये भी पहले आया हुआ है तो आ सकता है। चीन में साम्यवाद का उदय से भी क्वेश्चन आया है, अरब नेशनलिज्म में क्वेश्चन आया हुआ है काफी पहले जो है वो, ठीक है।
मिस्र में डायरेक्ट अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन मिस्र से भी आने की प्रबल संभावना है। इधर नए सालों में इधर नहीं आया है मिस्र से, तो मिस्र से भी आ सकता है प्रश्न आपको। तो इस तरीके से ये सब जो है वो, ये सभी टेस्ट का जो ये है आप शेड्यूल जो देख रहे हैं, तो ये सभी शेड्यूल हैं। और इसमें आप देखिए कि अगला जो है वो तुर्की में कमाल पासा, कमाल पासा जो है वो आप, इससे प्रश्न जो है वो कमाल पासा से आया हुआ है। कमाल आता तुर्क जो है वो, इसको हटा दीजिएगा, बिंदी गलत से लग गया है गलती से। तो आधुनिक तुर्की में जो है वो कमाल पासा का जो है वो आ सकता है। अरब नेशनलिज्म जो है वो, ये सब भी है। और फिर जो है वो ये बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ा हॉट टॉपिक है आर्थिक मंदी जो है वो, वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1929-32 खूब आया हुआ प्रश्न जो है, खूब आया है। रूजवेल्ट का न्यू डील है ये भी आया है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि जर्मनी में नाजीज्म और इटली में फासिज्म, ठीक है। तो ये जो है वो है ना, जापान है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें देखिए कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के उद्गम और परिणाम है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो है वो फासिज्म और नाजीज्म, प्रिंटिंग एरर है शायद जो है उसको देख लीजिएगा। तो नाजीवाद जो है वो नाजीज्म एंड फासिज्म, नाजीज्म और फासिज्म जो है यहाँ पे छूट गया है, इसको ले लीजिएगा। तो इटली में नाजीज्म यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार, ये टेस्ट जो है वो कई बार, अब क्या होगा कि अब आपको एक मन में एक ये क्वेश्चन आपको आएगा कि किस तरीके से जो है वो इतने सारे टॉपिक्स हैं, कैसे हम लोग इसको करें। तो इसको आप कम में कर सकते हैं। जैसे अब एक टेस्ट है, कुछ लोग जो बाद में आए हैं, अब हमने क्या किया है कि उसको अगर आप देखिए कि किस तरीके से उनका ये किया गया, तो अब मान लीजिए कि जो आपका अब ये टॉपिक है, जिसे आप देखिए कि चौथा पांचवा और छठा टॉपिक जो है ना, अब देखिए ये चौथा, ये छोटे छोटे टॉपिक है, चौथा पांचवा छठा, इसको हमने एक ही में क्लब कर दिया और इसके कल टेस्ट होने हैं। कुछ लोग जस्ट प्री के बाद जो आए हैं उनको हमने क्या किया कि क्लब करना शुरू कर दिया, उनको क्लब करके हमने चार पांच छह को एक ही में रख दिया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं, सेकंड वर्ल्ड वार की घटनाएं जो है वो, और तो इसको हमने चार पांच छह को हमने एक में क्लब कर दिया। पहले हालांकि टेस्ट हो चुका है, लेकिन जब रिजल्ट के बाद हुआ तो कई बार उसको मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। फिर आप देखिएगा कि ऐसे ही, अब मेरी प्रणाली क्या है कि एक बार हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद वो एंशियंट में भी हम आ जाते हैं, और एंशियंट में देखिएगा। और मेरे पास ये है कि आपको एक और सुविधा, एक और फायदा होगा, लाभ होगा कि इसमें जो मेंस जो ऑलरेडी जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि जो इंटरव्यू जो पास किए हुए हैं है ना, कुछ लोग उसमें फाइनल सिलेक्शन वाले भी हैं, नीचे रैंक हैं, ऐसे लोगों का भी जो है वो आपके पास मिल जाएगा कि अगर ऑफलाइन में है तो उनके साथ बैठने का, उनके साथ कंपेरिजन का आपको मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत सुखद संयोग है जिसको कि इन्वायरमेंट कहा जाता। तो ये इन्वायरमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और देखिएगा कि आगे आइएगा कि इंडस वैली है ना, इंडस वैली वैदिक युग को हमने एक में रख दिया है, और इसी तरीके का एंशियंट में पैटर्न है। यहाँ पे देखिए कि मौर्य काल से पूर्व, मौर्य साम्राज्य और मौर्य काल के बाद, ये तीनों जो जुड़े हैं, यानी कि मौर्य काल से पूर्व, मौर्य काल और पोस्ट मौर्य, ये तीनों टॉपिक को, प्री मौर्य, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्य, इसको हमने एक ही टेस्ट में रख दिया है। और मान लीजिए जिसको कि मन होगा वो सातवें आठवें को भी आप एक में रख करके बहुत आराम से पूरे एंशियंट को दो टेस्ट में भी आप दे सकते हैं। और एक हो गया आपको गुप्त काल से लेकर के, आप जैसे लिखिएगा कि गुप्त काल से लेकर के वो है ना, गुप्त काल के पश्चात और विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है वो, इसको भी आप कर सकते हैं। और है ना, गुप्ता एज पोस्ट गुप्ता और जनरल रिव्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चूंकि हमको कम समय में ही इसको एक संक्षिप्त बेसिकली जानकारी देनी है, इसलिए हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस भी बताए, क्वेश्चन को लेकर के अलग से आएंगे, इसलिए हम केवल अभी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसको किया जाएगा। तो इस टॉपिक को भी वो एक खंड में उठाया जा सकता है।
फिर आप देखिएगा कि बहुत आसान है पूरी प्रक्रिया जो है वो, पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत आसान है आपके लिए। और फिर आप आ जाइएगा कि 750 से 1200 में महत्वपूर्ण खंड है ये, और इस खंड में आप देखिएगा कि ये इसको भी 10 से 11 को जो है वो आप एक में ले सकते हैं, ये दोनों खंड को एक में किया जा सकता है, दोनों खंड एक में हो सकता है कि राजनीतिक सामाजिक दशा राजपूत, और ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन जो है वो, ठीक है। और फिर राष्ट्रकुलों राष्ट्रकूट जो है वो, ठीक है, तो राष्ट्रकूटाज जो है वो है ना, इससे क्वेश्चन जो है वो, और इस तरीके से मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से पूर्व, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है। तो इन सभी को जो ये पूरा है 10 से 11 को एक में आप क्लब कर सकते हैं। और जो लोग पहले से दे रहे हैं उनका टेस्ट जो है वो रिजल्ट के बाद ही, ये रिजल्ट के बाद ये उसी दौरान ये लिया गया है अभी। और ये जो है वो टेस्ट, यानी कि कुछ जो टेस्ट बीत गए हैं उसके बाद के टेस्ट को आप कर सकते हैं बहुत मजे से। अब कल हमारे पास जो टेस्ट होने जा रहा है वो 21 नवंबर का जो टेस्ट है, 2021 जो है वो 21 का डेट है, इसमें बहुत आराम से लोग दे पा रहे हैं। तो ये खंड अब थोड़ी, हमने ऐसा बनाया भी था शुरू में, हमने बनाया था कि थोड़ी धीमी गति से लोग चलें। रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड था कि 15 के आसपास, 15-16 के आसपास आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा खंड हमारे पास हो चुका है। जो लोग नए आएंगे उनका वहीं से शुरू हो जाएगा, जहां से होगा वहीं से आप पकड़ लीजिएगा एंशियंट से ही, और पीछे जो छूटा हुआ है उसको बीच के गैप में आप पूरा करेंगे। तो इसके बाद का प्रक्रिया जो है हमने थोड़ी वो उस तरीके से बना था कि शुरू में हम धीमे लेके चलें, बाद में हम फास्ट करें ताकि ज़्यादा ना छूटे। तो इसके बाद देखिए कि मेडिवल में जो है वो 1200 से 1765 में जो है वो, ये हमने यानी कि पूरा समझिए कि मेडिवल और मॉडर्न का हिस्सा जो है वो ये आपके पास है, जिसमें कि बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। जो लोग हमारे पास, ऐसे भी लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का ये सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी ये सेक्शन मेडिवल में उनका स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने बनाया था रिजल्ट के बाद का जो है। तो ये देखिएगा कि इसमें है ना, ये पूरा उत्तरी भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव, कारण परिस्थितियाँ, फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, नॉर्दर्न इंडिया, खिलजी इंपीरियलिज्म पे भी, खिलजियों पे पूछा गया है कई बार, ठीक है, किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक और उसके रिलीजियस पॉलिसीज पे खूब क्वेश्चन आते रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत क्या था, इस पर भी क्वेश्चन है। और ये देखिएगा कि जो अब जैसे दोनों खंडों को कोई चाहे तो एक में भी दे सकता है, लेकिन आज से अभी तो अलग अलग भी है। स्टेट का नेचर, करेक्टरिस्टिक, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ये भी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के पहले के पैटर्न को देखते हुए आप चले जाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि अब इसमें हमने जो आगे का हमारा है, अब देखिएगा कि इसमें जो है वो इस तरीके से हमने ये विजयनगर एम्पायर भी उसी में हमने रख दिया है। 14वें से हमने थोड़ा ये डेट को यहाँ पे ऐसे किया है, 28 से 11 को है ये टेस्ट जो है वो। और सुविधा ये है कि अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, तो जिसको अगर छूट गया, किसी दिन उपस्थित नहीं हो पाया, तो अगले दिन आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐप में भी ये सुविधा दे दी गई है, दूर बैठे हुए बच्चे भी अपना आंसर लिख करके उसको ऐप पे अगर उसको भेज देते हैं तो हम लोग टेस्ट करके उसको दे देंगे। अब देखिएगा कि मुगल साम्राज्य, ये मुगलों से है पूरा का पूरा, यहाँ से उठाया गया है। और ये सूर से क्वेश्चन भी, शेर शाह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सूर एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जो है वो मुगल साम्राज्य का जो एक्सपेंशन है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस इसके हैं जो है, रीजनल लैंग्वेजेस और ये डायमेंशन है। और आप देखिएगा कि जो पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, औरंगजेब की धार्मिक नीति एक अन्य इशू है जो कि वो पूछा जा सकता है, पूछा गया है, रिलीजियस पॉलिसीज जो है वो। तो ये इस तरीके से है ये पूरा। और ये देखिएगा कि आप जो है वो शहरी केंद्रों का विस्तार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है ना, राइज ऑफ शिवाजी एक अलग खंड है, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। राइज ऑफ शिवाजी किस तरीके से है,
पेशवाओं के अंतर्गत जो है वो मराठा पावर जो है ना, पेशवा के अंतर्गत मराठा शक्ति का विस्तार कैसे है, तो ये भी एक अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरा का पूरा जो है वो। और ऐसे ही जो है अब हम जो सेकंड खंड है इसका जो है वो मॉडर्न इंडिया यानी उसमें हम आ जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में देखिए कि ऐसे शुरू के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन आपको आने की प्रवृत्ति रहती है। और इसमें देखिए कि कॉलोनिज्म का ये है, ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, खूब आया हुआ है इससे जो है क्वेश्चन। कमर्शलाइजेशन से कभी आया है ना, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे अलग है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये खंड बड़ा महत्वपूर्ण है, चौथा खंड बड़ा महत्वपूर्ण है ना, तो इससे क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं आपको अगर है तो इसमें भी। लेकिन मॉडर्न इंडिया में देखिएगा कि जो सिलेबस दिया गया है उसके उसके जो है वो ज़्यादा उसमें मेंशन है, लेकिन हमने एक तरीके से उसका बंटवारा एक रैशनल आधार पर हमने बंटवारा किया है। और देखिएगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है इससे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट खंड है, इससे टॉपिक है बल्कि, और है ना भारतीय पुनर्जागरण हो गया, सिविल रिवेलियन एक 1857 का विद्रोह, ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस के लिए 1857 बिरकुंवर सिंह की भूमिका ये जीएस में है, तो जो ऐसे लाभ आपको मिलेंगे वो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन हमने इसको कई खंडों में हमने बांट दिया है, इसके हमने वो एक टेस्ट हमने 11 तारीख को रखा है, और फिर जो है वो गांधी के उदय से हमने इसको अलग हमने टेस्ट एक रख दिया है। तो गांधी के उदय को इस खंड को हमने अलग से रखा है कि भारत की राजनीति में गांधी जी का उदय, इमर्जेंस ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बड़े बड़े आंदोलन हैं, इनसे पूछने की प्रथा रही है। और इसी तरीके से समाजवाद हो गया, राइज एंड ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग, समाजवाद का के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी जो है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना जो है वो बनेगी। और ये इसी तरीके से हमने इन चीज़ों को रख दिया। अब देखिएगा कि इसमें संवैधानिक विकास जो है वो इंग्लिश में यहाँ पे तो मेंशन है, लेकिन जो है वो ये देखिए कि नेवल म्यूटनी और ये सब जो है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया, अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है ना, इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये सब चीज़ों का जो है वो ये सब टॉपिक का यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसको जोड़ लीजिएगा इस खंड में जो है वो। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कई बार क्वेश्चंस जो है वो आज़ाद हिंद फौज और उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। और हम लोग इसके बाद जो है वो टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्वेश्चन सेट किया है उसको हम लेकर के आएंगे आपको, कि कौन कौन से क्वेश्चन की प्रबल, ये कई खंडों में होगा जो है, जिससे कि ऐसे छात्र भी लाभान्वित होंगे जो कि वो, मेरा प्रयास ये है कि सभी और तहे दिल से मेरा ये है कि इतिहास को लेकर के जो भ्रांतियां हैं कि सिलेबस कठिन है क्या है, ऐसे जो है वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, खूब नंबर आते हैं, बहुत नंबर, कम पढ़ के अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और BPSC में एकदम फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार वो प्रयोग करते हैं थोड़ा सा जो है, जैसे 64वीं BPSC में हुआ जो है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको हम खंड वाइज, प्रत्येक टेस्ट का हम आपको, जितने टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट का एक बार हम आपको उस पर 5 बार 6 बार या 7 बार में जो भी उसका बनेगा कैलकुलेशन, तो हम लेकर के क्वेश्चन पेपर भी आएंगे। तो इसी के साथ हम ये इसको मैं समाप्त करता हूँ, और फिर अगले में हम पहले टेस्ट का हम लेकर के आएंगे आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर के। कोई भी आपको ये हो तो आप उसको मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट आप कर लीजिएगा, और एकेडमी के भी साइट पे जा करके, मोबिशाला के ऐप पे जा करके, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।